हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को सुबह की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखो मेरा बेटा भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने पूजा कर दी है, अब फिलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये देख सकते हैं हमारा दलिया और दही। आपने तो पहले भी कर लिया था दोबारा कर रहे हैं मेरे साथ में। क्या हुआ, क्यों रो रहे बेटा? क्या पापा मर रहे? क्या कर रहे हैं पापा? ये देखो लाइट जला के पापा ये क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को डरा रहे हैं। ऐसी ऐसी लाइट जला जला के आप कैबिन में क्यों दिखा रहे हो? ऊपर दिखाओ ना, ऐसे ऊपर दिखाओ, सुंदर लगेंगी। ये देखो कैसे बैठा है हमारा राजकुमार बेटा, ये देख रहा है लाइट, पापा दिखा रहे हैं और ये देख रहा है। ये हमारे किचन में काम चल रहा है और ये चूल्हा चेंज करने के लिए मैंने इनको बुलाया है। देखो कितना टाइम लगा रहे हैं, टोरेंटो गैस वाले ये। गुरमाता जी, आपने ये डब्बे ऑनलाइन मंगवाए हैं? हाँ बेटा, मैंने ये डब्बे सारे देखो ऑनलाइन मंगवाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 30 डब्बे को पैकेज आया था पूरा, और मैं इनमें दाल भर रही हूँ, मसाले भर रही हूँ। किचन की ओपनिंग होगी कल, तो कल मैं कुछ मीठा बनाऊंगी और आप देखना हमारे ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, और आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊंगी। ये मैं अभी दाल के पैकेट हैं, ये मैं इन डिब्बों में भर के देख रही हूँ कैसे हैं। बहुत दालों के लिए वैसे ये है ना, ज्यादा बड़े तो फिर ज्यादा बड़े में दिक्कत हो जाती है। अब जैसे जी के आते हैं तो वैसे साइज भी ये ठीक है दाल के लिए। तो गुरमाता जी ने दाल काट के और डब्बों में भरना शुरू कर दिया है, तो इनमें तो बेटा दो दो पैकेट आ जाएंगे आराम से। मैं तो ये समझ रही थी छोटे हैं, ये छोटे आ गए, लेकिन ये सही है, साइज ठीक है इनका, दाल के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं छोटा समझ रही थी इन्हें। ये मेरे सारे डब्बे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने सारे मसाले दाल वाल सब कुछ भर दी है, और अब मैं बस इनको यहाँ पे लगाने की सोच रही हूँ। मैं अब कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे लगाऊँ डब्बे मसाले के ये दाल के, या फिर मैं यहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि मुझे दोनों दो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये नया गैस आज ही लगाया, कल इसकी ओपनिंग होगी। ये देखो क्या ऐसा रहते फिर से आ गए किचन में, एक बार तो मिर्ची लगवा लिया। इतनी बड़ी किचन में ये जूस सेट नहीं हो रहा, ये मशीन कहाँ रखनी है? यहाँ पे रख रहे हैं मिक्सी मशीन और बड़े बड़े डब्बे, यहाँ पे हम बड़े बड़े डब्बे लगा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सब कुछ ही बड़े बड़े डब्बे सेट कर दिए हैं, और ये आगे हमारा ये युवराज बहुत परेशान कर रहा है। ये मशीन लगा दी हमने और इसको बंद कर देते हैं, लेकिन ये हमारा युवराज बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक बार इसने अपनी आँखों में मिर्च लगा ली, मसाले वाली लाल मिर्च, और अब फिर दोबारा आ गया। देखो ये देख लो मेरे शरारती बच्चे, ये मेरे किचन को नहीं रहने देंगे ठीक ठाक। इनकी हरकतें देखो, ये देखो, ए ए देखो 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 इनकी शरारत, देखो भाई देखो शरारत इनकी, ए ए ये लो रखो इन्हें बाहर, ये देखो कोई सी प्लेट खाली नहीं रहने देंगे ये बच्चे किचन में। अच्छी लगवाई मैंने प्लेट रो, ए ये देखो ये कर रहा है, देख लो एक थाली बची हुई है अभी, इसको भी बाहर निकाल के फेंकेंगे। ये ए ए निकल गई, ये देखो ये लो जी। अब और ढूंढ रही, एक और रहेगी अंदर यार पिज्जा। बेटा आज तो हमारे नीमराणा में बारिश आ गई, और बारिश आती है देखो हमारे सारे कपड़े गीले हो गए। अब मैं इनकी सोच रही हूँ बाहर अगर सुखाती है तो फिर बारिश आ जाएगी, फिर गीले हो जाएंगे। मैं इनकी तय बना के रख दी थी कि गर्मी वैसे ही हल्की हल्की सी है, नमी कहीं कहीं से कोई पंखी की हवा में सूख जाएंगे, बस यही देख रही थी मैं। आग को खाना खाऊंगी बेटा, आज तो बहुत लेट हो, क्योंकि मैं अभी ना किचन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे सुबह ना किचन की ओपनिंग करनी है, तो बस उसमें थोड़ा सा लेट हो गई। अब देख लो 10:30 बज गए, अब मैं खाना खाऊंगी, और अभी भी मुझे किचन सेट करनी है, पूरी सेट नहीं हुई किचन। मैंने डाल दो, हम खाते हैं खाना। ये हमारे गुरु जी तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं बेटा, ये मालिश कर रहे हैं, सही से करो मालिश, ऐसे करते ऐसे करते मालिश, गुस्सा आ रहा है गुरु जी कॉल काल का, भूल गए दिखे पहले कितनी करते थे आप? चुप गुरमाता जी, मालिश कम हो रही है आपकी।
अरे अरे सही से करो, दबा दबा के ऐसे मत करो, तुम तो बंदर की तरह खुजा रहे हो। ऐसी आती मैं देख सारे हाथ तेल में हो गए। ये हमारा बेटा भी सो गया है और मैं भी सोती हूँ फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।